अब घर वालों के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा बाहर वाले ही खतरा हो, अब तो घर के अंदर भी खतरे हैं। गाजियाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। घर में 8 साल से काम करने वाली मेड ने ऐसी घिनौनी हरकत की कि लोग अब अपने घर में मेड रखने से पहले 2 बार सोचेंगे और डरेंगे भी। वीडियो को धुंधला करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा है। मजबूर इसलिए क्योंकि वीडियो में दिख रही इस महिला ने ऐसी हरकत की है कि हम आपको इसे दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन ये खबर इतनी जरूरी है कि हमें आपको बताना तो पड़ेगा ही कि आखिर इस धुंधली तस्वीर के पीछे इस महिला ने क्या किया है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के एक फ्लैट की है। ये महिला इस घर में खाना बनाने का काम करती है, लेकिन ये खाना कैसे बना रही थी उसे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये महिला पेशाब से आटा गूंथकर रोटी बनाकर घर वालों को खिला रही थी। दरअसल इस फ्लैट में रहने वाले लोगों की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। घर के लोगों को शक हुआ कि कहीं मेड उनके खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। सच्चाई का पता लगाने के लिए घर वालों ने किचन में छोटा कैमरा लगा दिया और जब कैमरे ने हकीकत रिकॉर्ड की तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रीना नाम की ये मेड आटा गूंथने से पहले एक बर्तन में यूरिनेट करती हुई कैमरे में कैद हुई। बाद में बर्तन में जमा पेशाब को उसने आटे में मिला दिया और फिर उसी आटे से घर वालों के लिए रोटी बनाई। हकीकत सामने आने पर घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो इस वीडियो और मेड को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हैरानी की बात यह है कि महिला पिछले कई सालों से इस घर में काम कर रही थी। घर वाले भी भरोसा कर उसके हाथों से बना खाना खा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो इस तरह से उन्हें खाने में गंदगी मिलाकर खिला रही थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के मामले में पुलिस को सख्ती से निपटने को कहा है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और मंत्रियों की मीटिंग में कहा कि खाने में इस तरह की गंदी चीजें मिलाने और गैर जमानती अपराध बनाया जाए और कानून में इस तरह की हरकत करने वालों के लिए जेल और जुर्माने दोनों का इंतजाम किया जाए।